आज हम एक और नया डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, स्ट्रिप्स वाला ये डिज़ाइन है, बहुत ही इजी है। इसमें आप अपने चॉइस के हिसाब से फंदे ले सकते हैं। इसमें पहली रो जो है हम नॉर्मली जैसा हम सीधा बुनते हैं वैसे ही इसको सीधा सीधा बुनेंगे। पूरी की पूरी रो हम सीधी कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो बैक साइड से इसको हम उल्टी साइड से पूरा उल्टा बनाएंगे। थर्ड रो इसको हम सीधा बुनेंगे। फोर्थ रो इसको हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। इसमें चार रो उल्टा सीधा करके ही बुननी है। और फिफ्थ रो से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। यहाँ से हम धागा ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। इसमें दो फंदे, एक दो, दो फंदे सीधे बुनेंगे। धागे को इस तरह से टाइट कर लेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा। नेक्स्ट रो बैक साइड से इसको हम बैक साइड से उल्टा ही बुनेंगे। सिर्फ एक रूप में ही इसमें डिज़ाइन आएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बैक साइड से पूरी रो उल्टी, फिर एक रो सीधी, एक रो उल्टी। अब हम धागा चेंज करेंगे। चार चार रो हम इसकी बना लेंगे इस तरह से। दो फंदे इससे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। एक्चुअली हम इसकी जो है वो चार चार रो बनाएंगे और फिर पांचवी रो में हम धागा चेंज करेंगे। फ्रंट में दो फंदे हम सेम कलर से सीधे बुनेंगे और फिर एक उल्टा और एक सीधा। इसी तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनेगा। आप इसको कार्डिगन में बना सकते हो बच्चों की, और स्वेटर में भी बना सकते हो। आप जेंट्स स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड से उल्टे साइड से उल्टा पूरा का पूरा। और इस तरह से ये डिज़ाइन बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, चार रो का। इस तरह से बनके तैयार हो जाए।